वीडियो पंचायत समिति अजमेर ग्रामीण की तरफ से पुलिस थाना किशनगंज पे प्रकरण दर्ज करवाया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि वीडियो की SSO ID को हैक करके अज्ञात मुजरिमों द्वारा जहां जिन बेनिफिशरीज अकाउंट्स में राशि जानी थी उनमें नहीं जाकर के अपनी दूसरे अकाउंट में पैसे चले गए, इस तरीके से लगभग 4-5 लाख रुपये का उन्होंने फ्रॉड किया। गिरफ्तार किया। देखिए, जैसा आपकी पूर्व जानकारी में होगा कि 10 फरवरी को BDO पंचायत समिति अजमेर ग्रामीण की तरफ से पुलिस थाना किशनगंज पे प्रकरण दर्ज करवाया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि BDO की SSO ID को हैक करके अज्ञात मुजरिमों द्वारा जहां जिन बेनिफिशरीज अकाउंट्स में राशि जानी थी उनमें नहीं जाकर के अपनी दूसरे अकाउंट में पैसे चले गए, इस तरीके से लगभग 4-5 लाख रुपये का उन्होंने फ्रॉड किया। ये फ्रॉड जो हुआ था राजस्थान के कई जिलों में हुआ था और 13 जिलों में इस तरह के विभिन्न प्रकरण दर्ज हैं, और इसके ऊपर काम करते हुए पुलिस थाने किशनगंज की टीम के द्वारा पूर्व में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया था जिसका नाम पोजाराम था, उन्हें अनुसंधान किया गया है और जांच करके एक शिशुपाल सन ऑफ सुभाष उर्फ सुभाष जाति विश्नोई 30 साल जो राजीव नगर बरजासर जोधपुर का है उसको प्रोडक्शन वारंट के जरिए गिरफ्तार किया है और इससे अनुसंधान किया जा रहा है कि इस किस तरीके से इसके द्वारा विभिन्न अकाउंट से जो पैसे थे वो ट्रांसफ़र किए गए खुद के अकाउंट में ले गए। प्रारंभिक पूछताछ में इसने बताया था कि मेरे पास मुमल गहलोत की SSO ID थी और उस SSO ID को मैं जहाँ जोधपुर में काम करता था मैट के रूप में उसके मुझे पासवर्ड ध्यान थे तो उसको मैं हर जगह वीडियो बना दिया करता था, ऑनलाइन वीडियो बना देता था और उसके थ्रू मैं बेनिफिशरीज के जो अकाउंट थे उन अकाउंट में जाता था और उसमें अकाउंट नाम चेंज नहीं होकर के अकाउंट की जो डिटेल थी जिसके अकाउंट नंबर भरा जाता उस अकाउंट को मैं चेंज कर देता था और जिससे जिस अकाउंट में जाना होता था उसके अलावा दूसरे अकाउंट में वो पैसे चला जाता था, इस तरह का उसने बताया है। इस तरह से इनके द्वारा लगभग 13 जिलों के अंदर ऐसा फ्रॉड किया गया जिस पर अनुसंधान जारी है। आज पेश कर दी? जी बिल्कुल, पेश कर दिया।